सुनिए सद्गुरु डिस्कोर्सेस कारवा 2.0 पर। वक्त के साथ हम और हमारी फीलिंग्स चाहे कितनी ही बदल जाएं, कुछ गाने बादस्तूर होते हैं। उनकी धुन और उनके अल्फाजों का असर ठीक वैसा ही होता है जैसा पहली बार हुआ था। नमस्कार, मैं हूँ रुचि आपके साथ। आज 18th of December है और आज का प्लैटिनम सॉन्ग ऑफ द डे है जितेंद्र जी और शर्मिला टैगोर जी की फिल्म मेरे हम सफ़र से मुकेश जी और लता जी का गाना किसी राह में किसी मोड़ पर, जिसे कंपोज किया है कल्याण जी आनंद जी ने और लिरिक्स हैं आनंद बख्शी जी के। वैसे कल्याण जी आनंद जी का बॉन्ड उनके डायरेक्टर्स के साथ काफ़ी अच्छा था और वो सिर्फ म्यूज़िक कंपोज करने तक ही नहीं बल्कि उसके लिरिक्स और पिक्चराइजेशन में भी इन्वॉल्व हुआ करते थे। अब क्योंकि दोनों भाई भाई हैं तो उनके पिता ने उनके एसोसिएशन शुरू होने के पहले एक बात समझाई थी, एक सक्सेसफुल टीम होने की टिप, जिसके बारे में बात होगी आज शो में। लेकिन पहले आइए शुरू करते हैं आज का प्लैटिनम सॉन्ग ऑफ द डे। किसी हाल में किसी बात पर कहीं चल न देना तू छोड़ कर मेरे हम सफर, मेरे हम सफर, मेरे हम सफर, मेरे हम सफर। अगर दो भाई साथ में काम करने लगते हैं तो अक्सर उनमें ईगो क्लैशेस होते हैं, लेकिन कल्याण जी आनंद जी वैसे नहीं थे क्योंकि उनके पिता ने ऑलरेडी उन्हें वॉर्न किया था कि सक्सेस के साथ ईगो प्रॉब्लम्स तो आएंगी ही। क्योंकि कल्याण जी की पर्सनालिटी अच्छी थी तो उनकी पिक्चर्स ज़्यादा प्रिंट होंगी और इससे आनंद जी को बुरा लग सकता है, लेकिन फिर आनंद जी ने कहा था कि ऐसा वो होने नहीं देंगे और ये कहकर अश्योरेंस दी थी अपने पापा को कि एक सूरज बनेगा और एक चांद। कल्याण जी आनंद जी के पिता बिजनेसमैन थे जो कच्छ के एक विलेज में रहते थे, लेकिन जब उनके पिता फैमिली को लेकर मुंबई आए तब उन्होंने एक ग्रोसरी और प्रोविजन स्टोर ओपन किया था और वहीं पर एक म्यूज़िक टीचर उनसे सामान लिया करते थे तो अपने बिल भरने के बदले में वो कल्याण जी आनंद जी को म्यूज़िक सिखाते थे। वैसे उनके ग्रेट ग्रैंड पेरेंट्स एक फोक म्यूजिशियन थे और शायद इसीलिए म्यूज़िक के प्रति उन्हें भी थोड़ी रुचि थी। वैसे मुंबई में वो गिरगांव एरिया में रहते थे जहाँ पर और भी म्यूजिशियंस रहते थे तो उन्हें मोटिवेशन वहाँ से भी मिलता था। तेरा रंग साया बहार का, तेरा रंग साया बहार का, तेरा रूप आईना प्यार का। तुझे नजर में छुपा लूं मैं, तुझे लग न जाए कहीं नजर, मेरे हम सफर, मेरे हम सफर, मेरे हम सफर, मेरे हम सफर। तो ये था आज का प्लैटिनम सॉन्ग ऑफ द डे, किसी राह में किसी मोड़ पर। मैं हूँ रुचि आपके साथ। जैसा मैंने कहा था कुछ ही देर पहले कि आनंद जी और कल्याण जी रहते थे एक ऐसी जगह पर जहाँ पर ढेर सारे म्यूजिशियंस आसपास रहते थे, जिनमें से वी शांताराम जी और दुर्गा खोटे जी उनके पड़ोसी थे। लेकिन म्यूज़िक वर्ल्ड में आनंद जी ने तब एंट्री ली जब वो 11 साल के थे और उन्होंने और उनके क्लासमेट्स ने
कोरस में पार्टिसिपेट किया था इन देविका रानी मेघदूत, और क्योंकि कल्याण जी एक अच्छे स्टूडेंट थे, उनके कम्युनिटी ने उनका स्टे फंड किया था इन अ बोर्डिंग एट किंग सर्कल, जहां पर कल्याण जी वायलिन और गिटार प्ले करते थे। इनफैक्ट उन्होंने पत्थरों से म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट भी बनाया था, जिसके कारण उनकी काफ़ी तारीफ हुई थी बचपन में ही। खैर, आज का प्लैटिनम सॉन्ग ऑफ द डे इन्हीं की फिल्म से है, तो सुनाते हैं आपको इन्हीं का एक और हिट गाना। उठ गए जो कदम, बेखुदी में सनम, उठ गए जो कदम, आ गए आ गए आ गए पास हम, आ गए सनम, उठ गए जो कदम। जितनी बुझाई उतनी जली है, दिल की लगी ना हो तो क्या जिंदगी है, साथ हम जो चले मिट गए फासले, आ गए आ गए पास हम, आ गए पास हम, उठ गए जो कदम। कोई नजर थी सोए नजारे, देखा तुम्हें तो जागे ये सारे, दिल ने किए जो दिल को इशारे, मिलके चले हम साथ तुम्हारे, आज खुशी से मेरा दिल ये पुकारे, तेरा दामन मिला प्यार मेरा खिला, उठ गए जो कदम।
प्यार के राही आए यहाँ तक जाएंगे दिल की हद है जहाँ तक उठ गए जो कदम बेखुदी में सनम उठ गए जो कदम बेखुदी आज का प्लैटिनम सॉन्ग ऑफ द डे बना हुआ है कल्याण जी आनंद जी का हिट गाना किसी राह में किसी मोड़ पर। मैं हूँ रुचि आपके साथ। कल्याण जी आनंद जी से 5 साल बड़े थे और अपने स्ट्रगल के दिनों में उन्होंने कई सार्वजनिक उत्सव नवरात्रि और गणपति सेलिब्रेशंस में पार्टिसिपेट किया था। आनंद जी वहाँ तबला प्ले करते थे लेकिन वो उनकी माता जी को पसंद नहीं आता था क्योंकि उन्हें लगता था कि ये तबला गाय के चमड़े से बनता है। खैर आनंद जी अगर छोटे से प्यारे से दिखते थे तो कल्याण जी टॉल एंड हैंडसम थे। आनंद जी उन्हें अक्सर कहा करते थे कि वो एक्टर क्यों नहीं बन जाते, लेकिन कल्याण जी हमेशा से ही म्यूजिशियन ही बनना चाहते थे। सो दोनों ने मिलकर एक ऑर्केस्ट्रा ग्रुप शुरू किया था जिसका नाम था कल्याण जी वीर जी एंड पार्टी। फिर म्यूजिकल शोज ऑर्गेनाइज करने लगे और जल्द ही कल्याण जी अब्रॉड से एक नया इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट लेकर के आए जिसका नाम था क्लेवियोलाइन। आज उनके कई हिट गानों में आप इस इंस्ट्रूमेंट को सुन सकते हैं। चलिए अभी बढ़ते हैं एक और इन्हीं के हिट गाने की ओर। मेरे मितवा जा तुझको पुकारे मेरे गीत रे, मेरे गीत रे, ओ मेरे मित्रवा मेरे मित्रे। आजा तुझको पुकारे मेरे गीत रे, मेरे गीत रे, ओ मेरे मित्रवा। ना जानू तेरा देश ना जानू, नाम ना जानू तेरा देश ना जानू, कैसे मैं भेजूं संदेश ना जानू। ये फूलों की ये रुत न जाए बीत रे, आजा तुझको पुकारे मेरे गीत रे, मेरे गीत रे, ओ मेरे मितवा। तरसेगी कब तक प्यासी नजरिया, तरसेगी कब तक प्यासी नजरिया, बरसेगी कब मेरे आंगन बदरिया। छोड़ के आ जा तोड़ के आ जा दुनिया
तुझको पुकारे मेरे गीत रे, मेरे गीत रे, ओ मेरे मितवा, मेरे मीत रे, आजा तुझको पुकारे मेरे गीत रे, मेरे गीत रे, ओ मेरे मितवा। आज का प्लैटिनम सॉन्ग ऑफ द डे, किसी राह में किसी मोड़ पर एक बार फिर से आपको सुनाने का समय आ गया है। लेकिन उसके पहले आज का ये शो कैसा लगा, एंड इन जनरल आपको हमारा ये डेली शो प्लैटिनम सॉन्ग ऑफ द डे कैसा लगता है, वो नीचे कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए, जिससे कि मैं और आप कुछ गपशप कर सकें। उसी के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए, सारेगामा म्यूजिक चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और चलिए एक बार फिर से सुनते हैं ये गाना मेरे सारेगामा कारवा से।
तेरा प्यार है ओ है रोशनी, तेरा प्यार है ओ है रोशनी। मेरे हम सफर, मेरे हम सफर।